अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में बहुत फास्ट तरीके से काम करेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि माउस से जो काम होता है वो कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर आप कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट काम करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट की याद रखना पड़ेगा। वैसे ही आज हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रैंड कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की शेयर करने वाले हैं, जिसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट तरीके से काम करवा सकते हैं। तो आज की इस लिस्ट में कौन कौन सा रैंड कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल रैंड कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर यूज करते हैं और आपको रन ओपन करना है, तो हमेशा आपको अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से विंडोज़ की प्लस आर को एक साथ दबाना है, तो आपके सामने इस तरह रन ओपन हो जाएगा। अभी हम जितने भी रन कमेंट आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ आपको इसी बॉक्स में टाइप करना है और आपको वो कमेंट को ओपन करना है। तो सबसे पहला जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है उसका नाम है कैरेक्टर मैप। तो आपको रन पर आने के बाद टाइप करना होगा CH, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है CHAR मैप। तो जब भी आप लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, एंटर या फिर ओके बटन पर क्लिक करना होगा, तो आपका सामने कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। इधर से आपको बहुत सारा कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है, फॉन्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो जो कैरेक्टर आपको चाहिए अपने काम के लिए आप उस पर इस तरह डबल टैप कर दीजिए, तो इधर ये टैप बॉक्स में आ जाएगा, आप सिलेक्ट करके कॉपी कर दीजिए। उसके बाद जिस जगह आप इस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर मैप ओपन करने के लिए आप इस रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये आपके कंप्यूटर के अबाउट चेक करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली रन पर जाना होगा और टाइप करना होगा विन भार, उसके बाद एंटर पर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप WINVER विन भार टाइप करेंगे तो आपका सामने इस तरह अबाउट विंडोज़ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में फिलहाल कौन सा विंडोज़ चल रहा है और उस विंडोज़ का भार्सन कौन सा है, बोल्ड नंबर कौन सा है, सब कुछ डिटेल्स में आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। आपके पीसी नाम वगैरह भी आप पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर के अबाउट चेक करना है तो आप इस रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थ्री जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये बहुत ही पुराना है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप न्यू कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तो शायद आपको इसके बारे में नहीं पता है। मान लीजिए आपको अपने कीबोर्ड का काम माउस से करना है तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके लिए काम आ सकता है। तो सिंपली आपको वो एस के टाइप करना है रन पर जाकर, उसके बाद आपको एंटर करना है, तो आपका सामने इस तरह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। अभी आप अपने माउस से ही अपने किसी भी कीबोर्ड का काम आप कर सकते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपली इसी से काम चला सकते हैं। तो अगर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना है तो आपको सिंपली रन पर जाकर OS के टाइप करना है तो ये ओपन हो जाएगा। नंबर फोर जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर के डिटेल्स में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा जो विंडोज इंस्टॉल है, कौन सा आपके रैम है, क्या क्या वगैरह, सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली रन पर जाना है, उसके बाद टाइप करना है DXDIAG, उसके बाद एंटर करना है, तो आपका सामने डिटेल्स में जो डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल है वो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप देख लीजिए आपके करंट डेट टाइम क्या चल रहा है, कंप्यूटर नेम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, सिस्टम जो मैन्युफैक्चर क्या है, ठीक है, आप कौन सा मदरबोर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, बायोस, प्रोसेसर आपका कौन सा है, मेमोरी आपका कितना GB है, ये सब कुछ आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद आप डिस्प्ले पर जा सकते हैं, डिस्प्ले पर भी आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साउंड पर जाकर आप साउंड के बारे में पता लगा सकते हैं, इनपुट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा कुछ जानकारी। तो अगर आपको कंप्यूटर के डिटेल्स जानकारी चाहिए तो आप इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फाइव जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको रन पर जाना है और टाइप करना है CleanMGR। CleanMGR टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए तो आपके सामने इस तरह डिस्क क्लीन अप ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर से किसी भी एक ड्राइव को सिलेक्ट करके जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो वो जो डिस्क ड्राइव है वो क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर के डिस्क क्लीन करना है तो आप इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सिक्स जो रन कमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये आपको अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को पार्टीशन करने में हेल्प करता है। मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क पार्टीशन करना है तो आप इस कमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क पार्टीशन के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो हम वीडियो के एंड में उसके बारे में बता देंगे, एक वीडियो दे देंगे, आप उससे देख सकते हैं। फिलहाल तो आपको
अपने जो रन कमांड कीबोर्ड के माध्यम से अगर आप उस ऑप्शन पर जाना चाहते हैं पार्टीशन करने के ऑप्शन में, तो सिंपली आपको रन पर जाकर टाइप करना क्या है, टाइप करना है डिस्क, ठीक है, DISK MGMT, उसके बाद एक डॉट देना है, उसके बाद MSC देना है, उसके बाद आपको ओके या फिर एंटर करना है, तो डिस्क मैनेजमेंट आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव है वो सबको सिलेक्ट हो जाएगा। इधर से आप अपने किसी भी ड्राइव को आप पार्टीशन कर सकते हैं, आप पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ आप इधर से कर सकते हैं। नंबर 7, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप इजी तरीके से बिना माउस का हाथ लगाए अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली रन पर जाना है, उसके बाद टाइप करना है शट डाउन, उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। तो हम आपको शट डाउन करके नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं इसीलिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल एक रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की हो सकता है आपके लिए। नंबर 8, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर को रन से ही लॉग ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना है, साइन आउट करना है, तो सिंपली आप सिंपली रन पर जाकर टाइप कर सकते हैं LOG OFF, तो लॉग ऑफ लिखते ही उसके बाद आप एंटर जब क्लिक कर देंगे तो साथ ही साथ आपके कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप रन से ही बिना माउस यूज किए अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ कर सकते हैं। नंबर 9, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रन पर जाकर टाइप करना है शट डाउन, उसके बाद एक स्पेस देकर हाइफन देकर R लिखना है, उसके बाद सिंपली आपको ओके बटन पर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको रीस्टार्ट करने के लिए माउस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप रन पर जाकर ए टाइप करते ही आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल हो सकता है अगर आपको रजिस्टर करना है अपने कीबोर्ड से। नंबर 10, जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको इमरजेंसी कोई कुछ टाइप करना है, कोई नंबर या फिर कोई टेक्स्ट लिखना है अपने कंप्यूटर पर, तो आपको जाकर वर्ड पैड या फिर नोट पैड को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप विंडोज R को दबा दीजिए, उसके बाद सिंपली इधर WRITE राइट टाइप करके आप एंटर कर दीजिए, तो आपके सामने वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ नोट पैड में कुछ लिखना है तो सेम तरीके से आप विंडोज R प्रेस कर दीजिए, उसके बाद नोट पैड टाइप करके एंटर कर दीजिए, तो आपका सामने नोट पैड आ जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी यूजफुल हो सकता है अगर आप कुछ नोट वगैरह करना है तो। नंबर 11, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये भी काफ़ी यूजफुल है, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर में वो सभी के सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के रन कमांड से अपने किसी भी ब्राउज़र को आप ओपन करेंगे तो रन कमांड से आप इजी तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन आप जिस ब्राउज़र को ओपन करना चाहते हैं वो ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। मान लीजिए आपको मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करना है, तो सिंपली आप FIRE FOX फायरफॉक्स लिख दीजिए शॉर्ट नेम, उसके बाद ओके कर दीजिए, तो आपका सामने फायरफॉक्स इस तरह ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो सिंपली आप इधर जाकर CHROM क्रोम टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो आपका सामने क्रोम ओपन हो जाएगा। अगर आप ओपेरा या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज, आप जो ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं आप उसका शॉर्ट नेम लिख दीजिए, तो वो क्या होगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो रन कमांड से आप किसी भी ब्राउजर को भी ओपन कर सकते हैं। नंबर 12, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये काफी यूजफुल है अगर आप कंप्यूटर में कोई फाइल फोल्डर वगैरह हाइड करना है, तो ये रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके काफी यूजफुल में आ सकता है। तो इसके लिए सिंपली आपको रन पर जाना है, उसके बाद आपको टाइप करना है कंट्रोल फोल्डर्स, उसके बाद आपको एंटर करना है, तो नाम क्या है, कंट्रोल फोल्डर्स, ठीक है, उसके बाद एंटर कर दीजिए, तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो व्यू ऑप्शन है इधर जाकर आप क्या कर सकते हैं, डोंट एंड शो पर क्लिक करके अपने फाइल को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको फोल्डर ऑप्शन पर कोई काम करना है, फोल्डर वगैरह का कोई सेटिंग्स चेंज करना है, तो ये रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 13, जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक शॉर्टकट की है। मान लीजिए आपको अपने यूज़र प्रोफाइल पर जाना है कंप्यूटर के, तो सिंपली आपको रन पर जाकर सिंपली एक डॉट देना है, इस तरह डॉट देने के बाद आपको एंटर कर देना है, तो आपका सामने आपका जो यूज़र प्रोफाइल पहले वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यूजर प्रोफाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड वगैरह जो कुछ भी है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको रन पर जाकर एक डॉट देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अब जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, इसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर के अनवांटेड फाइल को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर को फास्ट करना है, तो ये रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली रन पर जाकर टाइप करना है क्या,
आपको परसेंटेज देना है, उसके बाद TEMP temp, उसके बाद आपको फिर से परसेंटेज को देकर क्लोज करना है, उसके बाद एंटर कर देना है। तो आपका सामने जितने भी फाइल आएगा उसको आप इस तरह सिलेक्ट करके या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके आप डिलीट कर दीजिएगा, तो जितने भी फाइल है दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जो भी अनवांटेड फाइल था, जो जाम फाइल था, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इससे आपके कंप्यूटर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। तो इस कमेंट की को आप हमेशा यूज कर दीजिएगा, एक दो दिन अंतर अंतर आप इसको यूज कीजिएगा और इस फाइल को आप डिलीट कर दीजिएगा। तो इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा कंप्यूटर को फास्ट करने में। सबसे एंड में जो रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये भी काफी हेल्पफुल एक शॉर्टकट की है। तो इसके लिए आपको रन पर जाना है, टाइप करना है TaskMGR, तो टास्क मैनेजर इसका नाम है टोटल। तो अगर आपको टास्क मैनेजर पर जाना है तो आपको TASKMGR टाइप करना है, उसके बाद एंटर करना है, तो आपका सामने टास्क मैनेजर इस तरह ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर का काम क्या होता है, आप इधर से अपना प्रोसेस जो चल रहा है अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड में, जो भी सॉफ्टवेयर रन है वो आप देख सकते हैं। आप इधर से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं या फिर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, स्टार्टअप चेक कर सकते हैं, यूजर्स वगैरह सब कुछ आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐप हिस्ट्री में कुछ परफॉर्मेंस पे कुछ चेक करना है, जैसे कि अगर आपके कौन सा कितना जीबी मेमोरी चल रहा है, आपका भी सीपीयू कितना पावर सप्लाई कर रहा है, ये वगैरह अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। प्रोसेसर से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कोई कंप्यूटर के कोई प्रोग्राम अगर हैंग हो जाता है, मान लीजिए गूगल क्रोम हैंग हो गया, तो आप इसको अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप एंड करके इसको आप ओपन कर सकते हैं और अपने अपने जो हैंग प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की, और भी बहुत सारे रन कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट की अवेलेबल है जो हम दूसरे किसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और ये रन कमांड का लिस्ट भी आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटे आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक।